दोस्तों मैं अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश ही करता हूं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूं जो आपके काम आने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप ये वाला मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो में मैंने वीडियो चैप्टर डाला हुआ है। वीडियो के मतलब जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में अगर कोई जाता है तो वहाँ पर मैंने वीडियो चैप्टर डाला हुआ है, यानी कि मैंने कौन कौन सा पॉइंट बोला है, किस मिनट पर किस सेकेंड पर मैंने कौन कौन सा पॉइंट बोला है, तो वहाँ पर मैंने टाइमिंग के साथ उस वीडियो का चैप्टर वहाँ पे लगा दिया है। तो अगर किसी भी बंदे को वो पॉइंट देखना है तो वहाँ पे वो बंदा उस चैप्टर पे क्लिक करके डायरेक्टली उसी पॉइंट को देख सकता है। तो ये चीज़ आप लोग अपनी वीडियो में कैसे लगाओगे, ये वीडियो चैप्टर कैसे लगाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो इस चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा कि ये देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों लगा रखा है, और ये सभी चीज़ें मैं अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलते आ रहा हूँ कि भाई मेरे साथ कुछ हादसा हो गया था जिसके कारण से मुझे मेरे सर में काफ़ी चोट आ गई थी। 4-5 दिन मैं बेहोश था, मेरा आगे का 2 दांत भी टूट गया है, और कुछ दिनों बाद जो है मैं अपना आगे का दांत लगवा लूँगा, उसके बाद मैं ये मास्क हटा दूँगा। तो इसी वजह से मैं कुछ दिनों से मास्क लगा कर ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ पर मत जाइए, जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ बस आप उसी चीज़ों पर गौर कीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राजपासी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपना वीडियो प्ले किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो चैप्टर डाला हुआ है। तो यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे मैं व्यू मोर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट मतलब अपना वीडियो चैप्टर डाला हुआ है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैंने वीडियो चैप्टर करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसका फ़ायदा देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है, और ये किस तरीके से डालना है ये भी मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यूअर को मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है, तो वो पॉइंट मैंने वीडियो चैप्टर के रूप में मैंने यहाँ पर डाल रखा है वीडियो में, कि अगर किसी बंदे को डायरेक्टली वो वाला पॉइंट अगर देखना है तो वो बंदा उस पॉइंट पे क्लिक करके उस चैप्टर को जो है देख सकता है। तो इसका फ़ायदा यही होता है। तो ये वीडियो चैप्टर आप लोग अपनी वीडियो में किस तरीके से डालोगे, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जब YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहाँ पे जो वीडियो होती है, जो डिस्क्रिप्शन आप लोग उसका लिखते हो, तो उसी डिस्क्रिप्शन में जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिख लेना है। सबसे पहले आपके वीडियो किससे रिलेटेड है ये सब कुछ लिखने के बाद, लिंक वगैरह डालने के बाद, जो भी आपको डालना है डाल दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो चैप्टर, वीडियो चैप्टर करके यहाँ पे मैंने स्पेस देके नीचे यहाँ पे देखिए टाइमिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना है, देखिए यहाँ पे सेम इसी तरीके से आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि YT स्टूडियो एप्लीकेशन में जाना है आपको, और वहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग के साथ, यानी कि मान लीजिए 0 से 0 सेकंड पर मैंने जो है अपना इंट्रो दिया हुआ है, और उसके बाद मैंने 0 से 34 सेकंड बाद जो है मैंने वीडियो का ओवरव्यू दिया हुआ है। तो ओवरव्यू देखने के लिए कोई भी बंदा अगर इस टाइमिंग पे क्लिक करेगा तो ओवरव्यू मेरा देख सकता है कि मैंने क्या ओवरव्यू दिया है इस वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे 3:09 पे मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, तो कोई भी बंदा इस पॉइंट पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और यहाँ पे 3:32 पे मैंने फर्स्ट पॉइंट इस वीडियो का बोला है, तो फर्स्ट पॉइंट इस वीडियो का देखने के लिए वो बंदा यहाँ पे टाइमिंग पे क्लिक करके उस फर्स्ट पॉइंट को देख सकता है जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग जब भी कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो चैप्टर लिख के इस तरीके से आपको टाइमिंग लिख देना है। तो कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे आपने कौन सा पॉइंट अपनी वीडियो में आपने बताया है, वो टाइमिंग यहाँ पे आप लोगों को लिख कर यहाँ पे आप लोगों को वो पॉइंट या फिर वो चीज़ यहाँ पे लिख देना है सिंपली। तो ये चीज़ आपको कैसे करना है, देखिए जब आप लोग अपने YT स्टूडियो में ये वीडियो ओपन करोगे, एडिट करोगे, तो जब उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख रहे होंगे तो उस टाइम में आप लोगों को अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है और अपनी गैलरी में उस वीडियो को प्ले करके देखना है कि आपने
अपनी वीडियो का स्टार्टिंग किस तरीके से किया है और कौन सी चीज़ कहाँ पर आपने बोला है, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग देख लेना है कि कौन सी चीज़ आपने कितने मिनट में बोला है। तो वहाँ पर प्ले कर करके आप लोगों को इसी तरीके से टाइमिंग वाइज जो है अपना वीडियो चैप्टर आपको बना लेना है सिंपली। तो जब आप लोग अपना वीडियो चैप्टर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिख दोगे, तो यहाँ पे आप लोगों की वीडियो में इस तरीके से वीडियो चैप्टर ये आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी वीडियो में आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप अपनी वीडियो में जो है वीडियो चैप्टर लगा सकते हो, बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में इतना ही।